नमस्कार मित्रों, बेस्ट प्लेसेस के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर वर्नामा जैन तीर्थ को भेंट देंगे। इस जैन तीर्थ को श्री पार्श्व पद्मावती धर्मधाम वर्नामा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये जैन तीर्थ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर मूलनायक पार्श्वनाथ जी को और माता पद्मावती जी को समर्पित है। इस मंदिर के लोकेशन के बारे में अगर बताना चाहूँ, ये मंदिर सूरत से वडोदरा जाते समय मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर वडोदरा से 17 किलोमीटर पहले आने वाले वर्नामा गांव में स्थित है। इसलिए ज़्यादातर लोग इस जैन तीर्थ को वर्नामा जैन तीर्थ के नाम से जानते हैं। इस मंदिर में ऊपरी मंजिल मूलनायक पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। मंदिर का आर्किटेक्ट बहुत ही सुंदर है। पूरे भारत में भगवान पार्श्वनाथ जी के बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें से सबसे लोकप्रिय शिखर जी में है, जिसे पार्श्वनाथ पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, जहां माना जाता है कि उन्हें मोक्ष मिला था। उनका एक और मंदिर है जो राजस्थान के नाकोड़ा में मौजूद है, जिसे नाकोड़ा पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। यह बेहद लोकप्रिय जैन मंदिर है, लेकिन वहाँ सबसे लोकप्रिय देवता पार्श्वनाथ नहीं बल्कि भैरव है। क्षेत्र नाकोड़ा होने के कारण इन्हें नाकोड़ा भैरव के नाम से भी जाना जाता है। वर्नामा मंदिर का तहखाना माता पद्मावती के लिए समर्पित है। यहाँ पद्मावती जी की मूर्ति लगी हुई है। मंदिर बहुत ही सुशोभित किया गया है। यह जैन मंदिर मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर होने के कारण आप यहाँ रुक सकते हैं और कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं, और साथ ही आप यहाँ बढ़िया नाश्ता और दोपहर का भोजन कर सकते हैं। आप मंदिर के विश्राम कक्षों में आराम कर सकते हैं, जो सस्ती कीमत पर उपलब्ध है। लेकिन यहाँ रात में रुकने की व्यवस्था सिर्फ जैन धर्म के लोगों के लिए ही है। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।